रादौर के गांव नाचरोन स्थित ग्लोबल रिसर्च ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में रोजगार एवं लाइफ स्किल्स पर आधारित 3 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम वर्ष के छात्रों को जीवन व रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं बारे जानकारी दी गई। मुकललाल नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रादौर में पृथ्वी दिवस पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पौधारोपण सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रधानाचार्य बाल कृष्ण ने विद्यार्थियों को इन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल गुमथला राव में शुक्रवार को अर्थ डे एक्टिविटी को पूरे जोश के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने विद्यालय प्रांगण में पेड़ लगाकर हरियाली का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुदेश बंसल ने बच्चों को बताया कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पृथ्वी को बचा सकते हैं। स्वराज शिशु निकेतन के प्रांगण में अक्षय तृतीया, ईद उल फितर व पृथ्वी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने एक लघु नाटिका के माध्यम से पृथ्वी को हरा भरा एवं संरक्षित रखने के विषय में सभी को जागरूक किया। महात्मा ज्योतिबा फूले राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को कंप्यूटर साइंस विभाग द्वारा आयोजित 1 दिवसीय तकनीकी उत्सव टेक हंट 2023 का आयोजन किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों को भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। दिल्ली पब्लिक किड स्कूल रादौर में पृथ्वी दिवस पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाया गया। इस मौके पर छात्रों ने स्कूल प्रांगण में पौधारोपण कर सभी को पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी के लिए जागरूक किया। पीएम श्री राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जठलाना में भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। रादौर पुलिस ने जांच के दौरान एक व्यक्ति से 11 बोतल देसी अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।